में भड़की हिंसा को लेकर एक तरफ जहां हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, वहीं इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला का ऐसा बयान सामने आया है जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा लेकर यमुनानगर पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि नू में हिंसा सरकार की सोची समझी साजिश थी जिसे भाजपा ने अपने टट्टुओं से करवाया। उन्होंने कहा कि नू में हिंसा फैलाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्हें बजरंग दल और गौ रक्षा दल का नाम देकर फंसा दिया गया है। अंकल, ये जो नू में हादसे हुए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पूरा गवर्नमेंट का एक षड्यंत्र है और भाजपा क्योंकि चुनाव नजदीक है, हरियाणा के अंदर उनकी पार्टी का भविष्य खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत ये विवाद खड़ा करने की कोशिश करी, वहां का भाईचारा खराब करने की कोशिश करी। ये तो पेड वर्कर थे भाजपा के जिन्होंने जाकर के नाम दिया, वहां बजरंग दल का नाम दिया, वहां पे जाकर के हिंदू गोरक्षक का। ये कोई गोरक्षक और कोई बजरंग दल के सदस्य नहीं थे, ये तो इनके भाड़े के टट्टू थे सारे के सारे जिनसे सारा कुछ कराया गया। बता दें कि 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूह में जबरदस्त हिंसा भड़की थी जिसमें 6 की मौत और दर्जनों घायल हुए थे। इस हिंसा को लेकर सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार ने ही नूह में हिंसा भड़काई ताकि आने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर फिर से जीत का स्वाद चखा जा सके। बहरहाल इन आरोपों को भाजपा नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही ये भी कहा कि हिंसा के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। यमुनानगर से अभिषेक दत्ता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।